आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं बहुत ही खस्ता और बहुत ही टेस्टी खुरमा। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं माला मेजरी कैसे किचन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फटाफट बनाते हैं। तो एक बाउल में मैंने 1.5 कप मैदा लिया है और 1.5 चम्मच मीठी सौंफ इसमें ऐड करी हूँ, पिंच भर नमक 2 और पिंच भर बेकिंग सोडा, और ये 1/4 कप तेल है। अगर आपको तेल नहीं पसंद है तो मोयन के लिए आप घी भी डाल सकते हैं, और इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेना इस तरीके से। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसी कप में मैंने पानी ले लिया है, बिल्कुल ठंडा है। अब थोड़ा थोड़ा इसे करके आपको सख्त गूँथ लेना। इतना टेस्टी खुरमा होता है कि आप इसे कई दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए 10 मिनट बाद ये अच्छे से हो गया। अब इसको अलग अलग भाग कर लेते हैं और एक लोई का आकार इस तरीके से आपको बना लेना है खुरमा का। ये देखिए अब इसे बेलन से इस तरीके से आपको बेल लेना है। ये साइड साइड से फट रहा है तो इसका टेंशन ना लीजिए, इसे आप चाकू से इस तरीके से कट करके अलग निकाल दीजिए और इसे इस तरीके से आपको कट कर लेना है। बिल्कुल ये देखिए इस तरीके से आपको इस तरीके से शेप देना है चौकोर भाग का इस तरीके से। ये देखिए ना ज़्यादा आपको पतला बेलना है और ना ही ज़्यादा मोटा। ये देखिए मीडियम साइज का बेलना है आपको, ये देखिए, और ये फ्राई करने में बिल्कुल फूल जाएगा। तो इस तरीके से मैंने खुरमा को बेल लिया और कट भी कर लिया है। तेल मैंने रख दिया, तेल बिल्कुल गर्म है लेकिन धीमी आंच पे ही रखा है। अब एक एक करके इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं इस तरीके से। आपको एक साथ नहीं करना है, एक एक करके इस तरीके से करते जाइएगा। और इसे धीमी आँच पर रख देते हैं, तब तक चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। तो 1 कप मैंने चीनी लिया है और 1/2 कप इसमें पानी डाल रही हूँ, और इसे एक तार वाली चाशनी तैयार कर लेनी और इसे कंटिन्यू चलाते जाना है। तो चेक कर लेते हैं थोड़ी देर बाद। तो ये देखिए आपकी चाशनी बनके तैयार हो गया है। खुरमा को भी चेक कर लेते हैं, ये तो अंदर से अच्छा से हो गया। अब एक एक करके इस तरीके से पलट लेते हैं खुरमा को। तो ये देखिए कलर थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया है और हल्का सही से इस तरीके से चला लेते हैं। आप देख सकते हैं मोटा हो गया है अच्छे से, और ये खस्ता और बहुत ही टेस्टी बनता है खुरमा। आप इसे कई दिन तक डब्बे में भर के रख सकते हैं। बच्चे आपके बाहर हैं या आप कहीं सफ़र में जा रहे हैं तो ये खुरमा बना के ले जा सकते हैं और सबको खिला सकते हैं, सभी खुश हो जाएंगे। तो इसका कलर बिल्कुल लाइट ही रखना है इस तरीके से, क्योंकि ठंडा होने पर इसका कलर थोड़ा सा और चेंज हो जाएगा। और एक प्लेट में मैंने इसे अच्छे से निकाल लिया है और चाशनी में एक एक इस तरीके से आपको डीप करते जाना है, और इस तरीके से सारा, और इसे कंटिन्यू चलाते जाना है इस तरीके से हल्के हाथों से, नहीं तो ये खुरमा टूट जाएगा। इस तरीके से आपको मिक्स कर लेना है। लगभग मैंने 15 से 20 मिनट तक लगा इसे अच्छे से मिलाते हुए। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा ये ड्राई होते जाएगा। इस तरीके से आपको हल्का हल्का ही मिक्स कर लेना है, और कम चीनी में इतना टेस्टी खुरमा। तो देख सकते हैं चीनी अच्छे से मिक्स हो गया है और ये सूख गया है, चीनी पूरा अच्छे से ड्राई हो गया, खुरमे में अच्छे से ये मिल गया है। आप इसे कई दिन तक डब्बे में भर के रख सकते हैं। तो फटाफट ये खुरमा बनाइए और बताइए कैसा बना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।